अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना दामोदस्सर हूँ पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से और अबुल कासिम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स के। बहरिया टाउन कराची में मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहरिया टाउन में जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं अबुल कासिम रियल स्टेट एंड बिल्डर्स की मैं पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ, इन सब प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम चल रहा है। इस प्रोजेक्ट की खास बात यह है कि इनके जितने भी प्रोजेक्ट हैं उस पर बुकिंग भी हम लोगों ने करवाई, बड़ी अग्रेसिवली मार्केटिंग की और डे वन से लेके अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट आता है तो पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है और अपनी इसी स्किल को यूज़ करते हुए आप लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं, बुकिंग करवाते हैं और आप लोगों के सामने ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं कि आप लोग बुकिंग करवाएं और इन प्रोजेक्ट में अच्छे ROI के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर चल सकते हैं। तो अभी सबसे कीमती बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे बनने वाला प्रोजेक्ट, जो सबसे पहले AQ मॉल एंड रेजिडेंसी की बात करूँगा, 30-story बिल्डिंग है AQ मॉल एंड रेजिडेंसी की। यहाँ पे कमर्शियल एरिया और रेजिडेंशियल एरिया जो दोनों हैं, यहाँ पे 30-story बिल्डिंग ग्रे शेड से कम्प्लीट हो चुकी है, अब फिनिशिंग के ऊपर काम चल रहा है। तो इससे बढ़ के आगे मैं ये बात आपको शेयर करूँगा कि इनका AQ सुपर मार्केट, AQ बाज़ार और अब्दुल समद, AQ बिजनेस सेंटर 1, इस तरह से दीगर प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी यहाँ पे हमने मार्केटिंग भी की थी, बुकिंग भी की थी। इन सब प्रोजेक्ट में अब हमारे कस्टमर्स मार्केट में एक रैंडम क्वेश्चन आता है कि ये प्रोजेक्ट जो किसी खास शक्ल में चले गए हैं या पोजेशन मिल गया, अब जब हम उसको रीसेल के लिए जाते हैं तो हमें कोई खातिर खाचा रेट नहीं मिलता, या हम रेंट आउट करना चाहते हैं तो भी हमें प्रॉपर सोल्यूशन नहीं दिया जाता कि रेंट के लिए इतने ज़्यादा ऑफिस बन रहे हैं, इतने ज़्यादा अपार्टमेंट्स हैं, वो कौन लोग लेंगे। तो मैं इन दोनों तीनों चीज़ों के लिए और दोनों तीनों सवालात के लिए आंसर करूँगा कि हमारी टीम PPL टीम अवेलेबल है। अगर आप लोग किसी भी प्रॉपर्टी में, जो किसी भी प्रोजेक्ट में आपकी प्रॉपर्टी है उसको रीसेल करना चाहें, आप हमारी टीम से रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपको विद इन शॉर्ट टाइम स्पेन हम आपको यहाँ पे ऑफ़र करेंगे और अपनी जो है आपकी बुकिंग की हुई है, आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसको इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में टैकल करेंगे। इसके अलावा जो रेंट पे देने वाली है आपकी कोई प्रॉपर्टी जो आपने अवेल कर ली, या तो आप खुद शिफ्ट होंगे या रेंटल इनकम के लिए आप लोग कर रहे होंगे, तो रेंट पे देने वाली जो प्रॉपर्टी है उसके लिए भी आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं और रेंटल सॉल्यूशंस पे भी हमारी टीम काम कर रही है। अबुल कासिम का जो प्रोजेक्ट अभी AQ मॉल एंड रेजिडेंसी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कमर्शियल एरिया को पर्टिकुलर डिस्कस करता हूँ। अपार्टमेंट में बड़ा ज़बरदस्त है, वो तो है ही अच्छा, उसकी भी सेल आएगी, आप लोगों ने ऑलरेडी बुक करवाया था तो ये अच्छी बात है, खुशाइन बात है कि वो कम्प्लीट होने के करीब है, अब फिनिशिंग जॉब चल रही है। मैं खासकर कमर्शियल एरिया की बात करूँगा कि बहरिया टाउन के गेट से करीब तीन जो प्रोजेक्ट बन रहा है या बन चुका है 30-story बिल्डिंग, वो AQ मॉल एंड रेजिडेंसी है। इसके अंदर हमने बुकिंग भी करवाई और आज अगर रीसेल की तरफ आप जाना चाहते हैं तो भी हम आपको वेलकम करेंगे, आप आ सकते हैं। हमारी इस इन्वेस्टमेंट के ज़रिए आप लोगों को अच्छे सॉल्यूशंस भी दिए जाएंगे, आप रीसेल करें, आपने अगर पोजेशन लेना है तो ये कमर्शियल एरिया के रेट्स अच्छे खासे अप्रिशिएट हो चुके हैं। अब जिस प्राइस पे भी आप लोगों ने बुकिंग की थी आज अच्छी खासी कीमतें इसकी इंक्रीज़ कर चुकी हैं। फॉर एग्जांपल अगर फूड कोर्ट की मैं बात करता हूँ कि AQ मॉल एंड रेजिडेंसी के फूड कोर्ट में अगर आप लोगों ने बुकिंग करवाई थी तो उसकी उस वक्त की जो बुकिंग प्राइस थी वो गालबन 22,000 या 24,000 थी, तो आज 3,000-5,000 पर स्क्वायर फिट इंक्रीज़ हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 30,000 या 35,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फिट थी तो आज 40,000-45,000 रुपये तक पर स्क्वायर फिट की कॉस्ट आ चुकी है। और इसी तरह से फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे अगर आप लोगों ने बुकिंग करवाई थी कमर्शियल एरिया की तो वहाँ पे भी अच्छे खासे रेट पड़ चुके हैं। अब इस प्रोजेक्ट की बात करूँगा, मेन गेट से वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब विद इन 0.5 किलोमीटर ये बनता है मेन गेट सुपर हाईवे के ऊपर जो है, सुपर हाईवे से आप इस प्रोजेक्ट तक विद इन 0.5 किलोमीटर के फासले से आप लोग पहुँच सकते हैं। और इसके साथ ही बिल्कुल बहरिया टाउन का मेंटेनेंस ऑफिस है और रेजिडेंशियल कम्युनिटी इसके सराउंडिंग में सारी है, पॉपुलेटेड एरिया के अंदर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर जो लिफ्ट्स हैं, कैप्सूल लिफ्ट्स हैं, पैसेंजर लिफ्ट और इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स, वो इस कमर्शियल एरिया के अंदर ज़बरदस्त अंदाज में 2 इंस्टॉल किए गए हैं। लिफ्ट्स की अच्छी रीजनेबल काउंटिंग है, फिर 3 लिफ्ट्स एक साथ दी गई हैं, फिर कार्गो लिफ्ट्स हैं वो अलग से दी गई हैं, और फिर अपार्टमेंट्स के लिफ्ट्स और इसका एंट्रेंस एग्जिट का एरिया कमर्शियल का ये इंटायरली डिफरेंट है। और सबसे आखिर में जो बहरिया टाउन के अपकमिंग प्रॉब्लम्स में से एक प्रॉब्लम है वो पार्किंग का होगा, तो इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में, यानी डबल बेसमेंट में B1 और B2 के नाम से इसके अंदर जो पार्किंग का निज़ाम भी दिया गया है। और इसी तरह ऊपर चलते हैं, अगर
तो ऊपर भी 2 से 3 फ्लोर पार्किंग के मुख्तस किए गए हैं, और पार्किंग के लिए क्योंकि आप ये डेडिकेटेड पार्किंग है, जिन लोगों की अपार्टमेंट्स हैं, जिन लोगों की शॉप्स हैं, उन लोगों के लिए डेडिकेटेड पार्किंग दी गई, क्योंकि पार्किंग के लिए आप लोगों से पैसे भी चार्ज किए गए थे और ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिफाइन भी की गई थी एट द टाइम ऑफ बुकिंग। और आज खुशाइन बात यह है कि ये प्रोजेक्ट 30 स्टोरी तक माशाल्लाह बन चुका है और इसकी सेल, रीसेल, हर तरह से चीज़ें चल रही हैं। और अगर आप आज इसी स्टेज पे इस तरह की तैयार प्रॉपर्टी के अंदर, तैयार प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं और इंस्टॉलमेंट इंजॉय करना चाह रहे हैं, तो इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक आज भी कुछ चीज़ें हैं हमारे पास जो हमारी अपनी इन्वेंट्री की हैं, वो ऑब्वियसली अच्छी प्राइस पे हम बेचेंगे, पुराने रेट पे नहीं होगा, फ्रेश रेट होंगे, लेकिन आपको इंस्टॉलमेंट प्लान के मुताबिक हम ऑफ़र कर सकते हैं। AQ बाज़ार और AQ सुपरमार्केट के प्रोजेक्ट्स बड़े ज़बरदस्त अंदाज में बनाए गए, जहाँ पे यहाँ इम्तियाज़ मेगा मॉल बना हुआ है बैरियर टाउन के अंदर, उसके बिल्कुल करीब है फ्यूल स्टेशन, अपार्टमेंट्स का जितना भी क्लस्टर है और ये सारा पॉपुलेटेड एरिया इसके सराउंडिंग में, अगर यहाँ आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये ऑलरेडी अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है और आप उसको री इन्वेस्ट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं, सेल करेंगे या परचेज करेंगे, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हमारी टीम से ज़रूर रब्ता करें, कंपैरेटिव एनालिसिस करें, होमवर्क करें, हर तरह से आप लोगों को हम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और आखिर में मैं ये कहूँगा, अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लीजिएगा, ताकि आप तक हर आने वाली नई वीडियो पहुँच सके। थैंक यू सो मच।